फ्रेंड्स, ये आज हमारे पास MV12 अंडर वोल्टेज रिले है LNT की, जिसको हम सेकेंडरी इंजेक्शन रिले टेस्ट इक्विपमेंट के द्वारा करने जा रहे हैं टेस्ट। फ्रेंड, ये इसका बैक साइड है। देखिए बैक साइड में क्या है, 1 to 12 तक मार्किंग रहती है। तो हमने जो इसकी लीड लगाई हुई है वो 11 और 12 पे लगाई हुई है, जिसको हम वोल्टेज देंगे अप और डाउन। मीन्स वोल्टेज सेट हमारे पास एक तरह से जो रिले टेस्ट सेट होता है, उसमें वोल्टेज और करंट दोनों बढ़ाने या घटाने का नॉब रहती हैं। तो हम इसको वोल्टेज देंगे कि ये कितनी वोल्टेज पे ट्रिप करती है। तो अभी देखिए, ये अंडर वोल्टेज रिले है जो फ्रंट साइड से आपको दिख रही है। तो ये अंडर वोल्टेज रिले को हम पहले, ये हमारी 390 वोल्ट पे सेट है और हम इसको वोल्टेज देंगे। ये हमारा है रिले टेस्ट सेट, ठीक है। ये सेकेंडरी इंजेक्शन रिले टेस्ट है फ्रेंड, क्योंकि ये प्राइमरी इंजेक्शन नहीं है। प्राइमरी इंजेक्शन प्रॉपर होता है फ्रेंड्स। इस सेट के द्वारा हम, ये जो आप सामने दोनों नॉब देख रहे हो, राइट साइड वाली एम्पियर के लिए है और लेफ्ट साइड वाली वोल्टेज के लिए है। ये ऊपर जो रेड कलर में इंडिकेशन देख रहे हो, ये टाइमर है, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, अभी हम इसको पहले 390 वोल्ट देंगे, ठीक है। ठीक है, ये देखिए हम इसको सेट कर देते हैं 390 वोल्ट पे, और फिर हम देखते हैं रिले को कि रिले में क्या हो रहा है। अभी देखिए इसका टाइमर भी सेट कर दिया, टाइमर चालू हो गया, हमने टाइमर पुश कर दिया कि कितनी देर में वहाँ ट्रिपिंग आ जाती है। तो फ्रेंड, 390 वोल्ट पे लगभग जो है 70 से 72 या 72 सेकंड के आसपास लेता है ये ट्रिपिंग इंडिकेशन आने में, ठीक है फ्रेंड। देखिए ये टाइमर चल रहा है काफ़ी तेज़ी से, 25, 27, 28 सेकंड ये इसमें दिखा रहा है। तो ये हम रिले पे भी देखेंगे, अभी देखिए 33, 34, 35 होगा, नियर अबाउट 72 सेकंड लेता है। ये देखिए अभी इसमें आ गया है, ये ट्रिप का इंडिकेशन आ गया, तो हम इसको रिसेट कर देते हैं। अभी हमने 390 वोल्ट सेट किया था, फिर हम इसको क्या है, और एक बार 390 पे ट्रिपिंग आ रही है, इसके बाद 380 वोल्ट करके देखते हैं। तो जब हम 380 वोल्ट करके देखेंगे तो ये ट्रिपिंग और जल्दी आ जाएगी। अभी ये रिसेट हो गई है, ओके है। तो अब हम इसकी सेटिंग करेंगे 380 वोल्ट पे और कम पे, जिससे देखते हैं कि उससे कम में समय में ये जो है ट्रिपिंग इसकी आ जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि 380 वोल्ट पे हम देखिए इसको सेट कर देते हैं, जिससे इसमें क्या है, ट्रिपिंग और जल्दी आ जाएगी। ये देखिए कितनी जल्दी आ गई है। तो इसी हिसाब से हम रिले को टेस्ट कर लेते हैं। हाँ, जैसे ही 390 से ऊपर लेके जाते हैं 400 वोल्ट पर, तब जाके ये रिसेट होगी। अब मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, उसको वोल्टेज को इसको कर देता हूँ 400 वोल्ट के आसपास, कि 410, 420 इसके आसपास जैसे ही मैं ले जाऊँगा तभी हम उसको रिसेट कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या है, 390 सेट है, और 380 पे अगर मैं उसको रिसेट करने की कोशिश करूँगा इंडिकेशन लगे हुए, तो वो रिसेट नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड। मैं इसको करता हूँ 400 वोल्ट पे, 405, 410। तो जैसे ही 400 पे सेट करूँगा फिर मैं उसको रिसेट कर पाऊँगा। देखिए इस रिले को अब हम कर देते हैं रिसेट, और अगर ये 400 वोल्ट पे रिसेट हो रही है, दैट मीन्स ये 390 हमारा जो सेट है वो बिल्कुल ठीक है और हमारी रिले सही से काम कर रखी है। फ्रेंड, ये जो मशीन कहलाती है सेकेंडरी इंजेक्शन। प्राइमरी इंजेक्शन जो होता है वो हम प्रॉपर जो हम ACB को ही देते हैं डायरेक्टली, और उसके थ्रू जो प्रॉपर मतलब जो सिस्टम लगा हुआ है, उस सिस्टम में जो करंट चलती है उसके अंदर जो ट्रिपिंग आती है, ACB या BCB जिसमें भी होता है, वो कहता है प्राइमरी। और जो हम रिले टेस्ट करते हैं अलग से वोल्टेज या करंट दे करके, वो कहलाता है सेकेंडरी, ठीक है। तो ये बड़ा काम का सेट होता है फ्रेंड। इसी के द्वारा हम जितनी भी रिले पैनल में, LT पैनल में या ST पैनल लगी होती है, उन्हीं के द्वारा हम सारी सेट करते हैं। फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।